हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 का संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयेत, बालिका लिखति, तो बताना है क्या होगा। शिशु दुग्धं पिबति, तो यहाँ बताना है क्या होगा। भगनी अलंकारम करोति, आभूषणम हो जाएगा। सुरस विश्व मनोज्ञ, तो बताना है क्या होगा। तत्र एका है, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। शब्दार्थ लिखना है। विद्याम का क्या होगा, विद्याम का विद्या, शनई शनई धीरे धीरे, एकदा मतलब एक बार, घटेन मतलब घड़ा, पिष्टम मतलब बता देंगे जो भी होगा। रिक्त स्थान ही योग्य इन तृतीय विभक्ति रूपेण, तृतीय विभक्ति इनकी बताना है सभी की, देख लेंगे। भविष्य काल में इन वाक्यों को लिखना है, ये जो सभी वाक्य लिखे हैं इन सभी वाक्यों को भविष्य काल में लिखना है। अगले वाले में संस्कृत भाषा में लिखना है इन्हें, पाँचों को संस्कृत भाषा में लिख देंगे। एक शब्द में उत्तर लिखना है, इसमें पांचों के एक शब्द में उत्तर बता देंगे। संधि विच्छेद करना है। जन्मदिन जन्मदिन धन उत्सव, भोजन भोजन धन अंतरम हो जाएगा। ये 8वां प्रश्न है, ये 9वां प्रश्न है, देख लेंगे। ये 10वां है। 11वां, इन प्रश्नों के उत्तर बताना है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के उत्तर बता देंगे। 12वें वाले में कह केन यानेन कुत्र गच्छति इति लिखा, जैसे मंत्री विमानन देहली गच्छति, ऐसा हो जाएगा। पिता रेलयालम रामेश्वरम गच्छति, माता बसयानम आपड़ा गच्छति, भगनी द्विचक्रिका मंदिरम गच्छति, बाला त्रिचक्रिका विद्यालम गच्छति, ऐसे लिख लेंगे। गीत को पूरा करना है, गीत को पूरा कर देंगे देख के। मातृभाषा में इनका अनुवाद करना है, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये 5वां प्रश्न है। 6वां 7वां 15वां प्रश्न ये देख लेंगे। ये हमारा 16वां लास्ट प्रश्न,